मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम के कर्ता करता अध्यक्ष पद्मश्री भारत भूषण जी अपने यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति यूपीटीयू के पूर्व कुलपति आर के खंडाल जी जी मीडिया के संपादक वसुंधरा मिश्रा जी कर्नल दीप जी प्राचार्य इष्ट शर्मा जी सभी सत्कार मूर्ति विशिष्ट अतिथिगण जिन्होंने अपनी कला प्रस्तुत की है ऐसे सभी कलाकार विद्यार्थीगण पत्रकार मित्र उपस्थित भाई और बहनों मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और योग की कला क्या है इसका दर्शन प्राप्त हुआ कि यदि मेरे बचपन में भी मुझे ऐसी शिक्षा मिलती थी तो मैं कहां के कहां पहुंच जाता। यानी जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने योग की कला दिखाई जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने प्रार्थना भी कही और जो मंच पर देखा वो देखने के बाद बोलने के लिए बहुत कम बचता है। बचता तो इतना ही है कि बहुत बहुत सबका अभिनंदन और ऐसा अभिनंदन कि जिसके लिए काम करने के लिए कई दिन लगते हैं। यह योग का दर्शन यह आसान दर्शन नहीं है। मैं आपको मेरी बात बता देता हूं कि मेरी उम्र हुई है 81 और मुझे लग रहा था कि वहां जो यज्ञ हो रहा है उसमें मैं बैठूं कैसा और यहाँ मैं देख रहा था कि कितने आसानी से दोनों पैर जमीन को लगकर अलग अलग प्रदर्शन हमने देखे। तो ये प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और ये परिश्रम यहाँ पर 25 साल चल रहा कोई भी संस्था में रजत जयंती महोत्सव हो वार्षिक महोत्सव हो फिर रजती के महोत्सव अपने आप में एक हिसाब किताब लेने का काम समय होता है कि हमने 25 साल में क्या पाया और 25 साल में जो पाया जिसका दर्शन आपने हमने सबने किया। आखिर मनुष्य का शरीर कहते हैं कि कब प्राप्त होता है और ऐसा शरीर प्राप्त होने के बाद उसको योग्य रखना स्वस्थ रखना और जीवन में ऐसी बात हो जाए कि काम करते करते दिन भर का काम करते करते जो बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं वो धन तो कमा लेते हैं लेकिन रात को दो दो चार चार गोलियां खाने के बाद भी उनको नींद नहीं आती है। यदि योग ठीक प्रकार से उसका उपयोग करें तो पेट में लेट जाए
और 2 मिनट में नींद आती है, वो आती है तो योग के कारण आ सकती है। ऐसा बिना दवा जो जीवन में स्वस्थता देता है, ऐसा यह योग है। और हम देखते हैं कि मोटरगाड़ी हो, कोई स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, एक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जीव नहीं है, लेकिन ऐसे जीव नहीं है जिसमें अपना, मैं तो मुंबई का हूँ, हिंदी के उतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन रखरखाव मशीन को भी लगता है तो उससे शरीर को अधिक लगना चाहिए, लगता भी, लेकिन यदि हम योग की साधना करते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म का परसा व्यवहार करना है तो अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, और स्वस्थ रखना है तो योग से और दूसरी कोई चीज की चीज आवश्यकता नहीं है। ऐसे योग का दर्शन आज मुझे हुआ। वैसे भारत भूषण जी को जब गए समय पर डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया, मैं देने के लिए आया था यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको पूछा कि आप इतना विदेशों में गए हैं, सब जगह पर दुनिया में योग के कारण आपका नाम है, तो आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कही तो उम्र तो वही होगी 64। तो मैंने कहा आपके बारे में, एक बारे में तो मैं आपसे बड़ा हूँ क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से योग की साधना की है वो अद्भुत है। और ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व सहारनपुर में है, लेकिन उनकी कीर्ति, दिगंत कीर्ति वही है, वह योग के कारण हुई है, और इसलिए मैं उनका भी और उनको साथ देने वाले जो सहयोगी है, ये बात आसानी से नहीं बनती, उसके लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं, लेकिन परिश्रम करते करते आनंद मिलता है। लेकिन कभी कभी परिश्रम करते करते आदमी थक जाता है, लेकिन यह ऐसा काम है कि आप जितने भी परिश्रम करो आनंद मिलता है, और जीवन में आनंद प्राप्त होना सबसे बड़ी बात है। ऐसा काम यहाँ पर हुआ है, हो रहा है, और यह अद्भुत काम देखने के लिए आज मुझे मिला। 25 साल जब होते हैं तो अगला चरण आता है 50 साल का, सुवर्ण महोत्सव, आज तो रजत महोत्सव। सुवर्ण महोत्सव के समय पर आप भी आए, मुझे भी बुलाई, और बहुत अच्छे ढंग से करे। भारतीय जीवन पद्धति की ये पहचान अब दुनिया वालों को भी ख्याल में आने लगी, और दुनिया वाले ये जानने लगे हैं कि योग की ताकत क्या है। अपने अलग अलग योग महर्षि जो हिंदुस्तान में है, विदेश में जाकर उन्होंने जब काम करना शुरू किया, तो विदेशी लोग एक दृष्टि से देखा जाए तो योग के प्रति हम पागल हो गए। और कभी कभी हमारा भी ऐसा है अपने देशवासियों का, जब विदेश में कोई चीज की बड़ी प्रशंसा होती है तो फिर हमको लगता है कि भाई अपना भी कोई बात है। हल्दी, तुलसी, अब हल्दी और तुलसी एक दृष्टि से देखा जाए तो अपने रोज के खाने में हल्दी होती है, रोज कहा भी जाता है कि अपने घर में छोटा भी क्यों ना हो तुलसी का यदि पेड़ हम लगाते हैं तो उससे प्रदूषण, शुद्ध हवा मिलती है, प्रदूषण दूर होता है, 4-5 पन्ने खाएं तो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लेकिन ये जब अमेरिका वाले कहें तब फिर हमको लगता है कि हाँ ये बात बराबर है। यानी हल्दी के पेटेंट को लेकर कितना संघर्ष करना पड़ा अपने शास्त्रज्ञों को, उसके बाद हल्दी हमारी है और उसकी विशेषता है ये सिद्ध हुआ। उसी प्रकार मैं मानता हूँ
योग के बारे में भी हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि गए मई महीने में देश में एक जनतांत्रिक क्रांति हुई और ये क्रांति में के सामने लेके जाएंगे और अब योग एक नहीं दो नहीं 170 देशों ने दुनिया के यूनाइटेड नेशंस में अब योग दिन 21 जून को मनाने का निर्णय किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इतने साल के परिश्रम की तपश्चर्या की एक दृष्टि अपने भारत की संस्कृति की जो विशेषता है वो और भी कई क्षेत्रों में है वो दुनिया के सामने लानी चाहिए। हमने भी अपने को पहचानना चाहिए कि भाई हाँ लगता भी है कि गंगा की कितनी हम स्तुति करते हैं और कहते हैं अपने चार बिंदु यदि हम उस व्यक्ति के मुंह में डालते हैं तो उसको सदगति प्राप्त हो जाती है। लेकिन क्या आज गंगा वैसे है? ऐसा भी जब हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गंगा पर भी अन्याय कर रहे हैं। गंगा साफ सुधरी रखना चाहिए और उसके लिए सरकार को एक आंदोलन के नाते करने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन हम हमारी सारी चीजों को यदि समझते हैं तो गंगा साफ करना अपना भी कर्तव्य है और केवल गंगा नहीं बाकी की नदियां भी। अब जो भूकंप आता है जलवर्षा आता है प्रकृति का जो क्रोध हम पर हो रहा है उस प्रकृति को भी संभालना यह भी अपना काम है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए यह एक संदेश जाता है और इसमें योग की प्रतिष्ठा जो बनी है ऐसे कई योगाचार्य भारत में हैं और इसलिए योग के गुरु जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और 5000 साल के पहले की यह विद्या आज एक रूप में दुनिया के सामने जा रही है और बाकी का विज्ञान संशोधन चलता रहेगा। लेकिन योग का तो दिखाए गए वहां कौन कौन से वेद के किताब है। अब ये वेद के किताब छपे हुए यहाँ लेकिन जब दुनिया वालों को हम कहते हैं कि ये तो भाई छपे हुए हैं लेकिन हमारे यहाँ ऐसे वेद महर्षि थे कि उनको ये सब मुखोद्गत होता था। अब मुखोद्गत होने पढ़ना भी हमको मुश्किल हो रहा है ये पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है लेकिन उन दिनों में ये वेद मुखोद्गत होते थे। ऐसी अपनी परंपरा है उस परंपरा का योग के अभिमान रखकर विद्यमान जीवन में यदि हम चलते हैं तो सबको आनंद मिल सकता है परिवार को आनंद मिल सकता है व्यक्ति को आनंद मिल सकता है समाज को आनंद मिल सकता है और समाज को आनंद देने वाला यह योग की जो साधना है वो बहुत बड़ी है और ऐसी साधना के काम में मुझे भी यहाँ आने का मौका गुरु जी ने दिया उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सहारनपुर के लोग तो आप भाग्यवान लोग हैं कि यहाँ 25 साल इस प्रकार की परंपरा यहाँ पर चल रही है। मैं एक रुपये फिर अभिनंदन करते हुए जैसे मैंने कहा कि समय से मैं जूझ रहा हूँ क्योंकि मुझे लखनऊ में पहुँचकर 3 बजे का एक कार्यक्रम और 1.25 घंटा तो जाने में लगता है और इसलिए फिर एक दफे मेरे मन की गहराई से भावनाएं व्यक्त करता हूं और चाहता हूं कि योगाश्रम के जरिए सहारनपुर के लोगों को नहीं तो भारत के लोगों को एक और नई ऊर्जा मिले एक खुशियां मिले। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय।